Today we have a woman with us who has single-handedly raised her two boys. तो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ से मेरी जर्नी क्या होगी. मैं बोली कि कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ऐसे तो बच्चे हमेशा जिंदगी भर ताने सहेंगे. मैं अपने बच्चों को खड़ा करूँगी. कहते ना कि आपका करेक्टर अच्छा है ना तो आत्मविश्वास बहुत रहता है. ये वाली जो ट्रेनिंग है ना, ये सिद्धार्थ के लिए सही रहेगी क्योंकि उसको उसकी एनर्जी बाहर निकल आएगी. तो मैंने बच्चों से पूछा, उनका धूम 3, बोले मम्मी धूम 3 पिक्चर है. मैं सबको यही बोलूँगी कि स्ट्रगल करिएगा लेकिन खुशी खुशी, और एक लक्ष्य बनाइए कि हमें ये चीज करना है. हेलो एंड वेलकम टू द कल्मिनेटिंग एपिसोड ऑफ दिस सीजन ऑफ शीरो. And today we have a woman with us who has single-handedly raised her two boys. And they are a leading name in their fields today. From being fiercely independent to raising her heroes. Let's welcome Vibha Nigam as our special guest on Sheroes. Welcome Vibha ji. Thank you so much for coming on our show. Thank you. Vibha ji, aapki kahani bhi बहुत स्पेशल है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं. आप एक जिसे कहते हैं ना, एक सुपर वुमन है, एक सुपर मदर है. तो आपकी जो कहानी है वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे उतार चढ़ाव आए, आप ही बताइए. कहाँ से स्टार्ट करें, आप बताइए. बच्चों को यहाँ तक लाने से या अपने बचपन से, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट डे से ही स्ट्रगल चल रहा है. कहानी आपकी है तो पहले दिन से ही बहुत लंबी कहानी है. बताते मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे. तो हम शॉर्टकट ही बताते हैं कि जब मेरा पर्सनल स्ट्रगल चालू हुआ, मैं तब से आपसे शेयर करूंगी कि सिद्धार्थ के डैडी 2008 में एक्सपायर हुए थे एक एक्सीडेंट में. उसके बाद से जो हमने स्ट्रगल किया तो वहां से मेरी जर्नी चालू हुई. क्योंकि जब आप बचपन में तो मम्मी पापा के अंडर में रहते हो तो वो स्ट्रगल नहीं कहलाता है, पर जब आप पर्सनल आपकी खुद की फैमिली होती है वो स्ट्रगल कहलाता है. तो मेरे हस्बैंड जब 2008 में एक्सपायर हुए एक एक्सीडेंट में, तो बहुत छोटे थे बच्चे. सिद्धार्थ कुछ 4 साल या 5 साल था और 4 साल बड़ा अभिषेक है तो भी 8 या 9 साल का था. तो जब हस्बैंड थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी कि कैसा है, लेकिन जैसे उनकी डेथ हुई तो सारा कुछ चेंज. मतलब जो प्यार था ससुराल में या लोगों की जो सोच थी मेरे प्रति, सब चेंज. मतलब मैं तो आश्चर्य में थी कि आखिर जो सास ससुर मुझे इतना प्यार करते थे वो इग्नोर करने लगे. मतलब बच्चों को दिक्कत देते, जबकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो हमारे यहाँ का बहुत ही लाडला बच्चा था, क्योंकि 18-19 साल के बाद हमारे यहाँ कोई बच्चा हुआ था. तो उसको बहुत ही प्यार मिला कि हमारे 18 साल बाद कोई बच्चा हुआ है. तो एक हम लोग इलाहाबाद से हैं तो वहाँ ऐसा है कि बेटा होना बहुत बड़ी बात है, बट 18 साल बाद बच्चा ही होना बहुत बड़ी बात थी. तो उसकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ. पर जैसे मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तो नज़रिया ही बदल गया कि प्यार कहाँ था, इतना कुछ लोग मानते थे, सब कहाँ चला गया. तो ससुराल में दिक्कत आई, मतलब थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम भी आई. कुछ हस्बैंड मैं बहुत सीधी थी, मतलब मैं पढ़ी लिखी तो थी बट बहुत सीधी थी. गांव में ऐसा होता है कि बहू है, ज़्यादा हम बाहर नहीं निकलते थे. अपने बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट करना, और हमारे साइड में थोड़ा घूंघट चलता था तो हमने कभी ऐसे बाहर की चीज़ें देखी नहीं थी. तो थी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बट सीधे होने के कारण जो भी मेरे हस्बैंड को जो पैसे वैसे मिले थे वो सब भी मुझे नॉलेज नहीं था. तो वो भी सब, मतलब मेरे और दो देवर हैं, मेरी ससुर थे उन सब ने, हाँ मतलब मुझे नहीं पता था वो कैसे लिए, बट ले लिए. अभी वो किस तरीके से लिए कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इतना पैसे वैसे सोचे ही नहीं थे. बट जब प्रॉब्लम आई तो लगा कि नहीं, मुझे तो बच्चे पालने हैं, तो मैं थोड़ा होशियार होना चालू हुई. पैसे नहीं थे मेरे पास, तो वो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया मेरे ससुराल में. सरकारी स्कूलों में भेजते थे तो दोनों आते थे, बोलते थे गंदे बच्चों के साथ मुझे नहीं पढ़ना है, ये है वो है. सिद्धार्थ और अभिषेक गंदी गंदी चीज़ें सीख के आते थे तो मैं मारती थी, क्यों गंदी चीज़ें सीखते हो, तो बोलते थे आप गंदे स्कूल में पढ़ाती हैं तो हम गंदी चीज़ें सीख के आएंगे. तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई ससुराल में, जो मैं अपना ससुराल 2009 पे छोड़ दी और आज तक नहीं गई. मेरे ससुराल वाले पूरे मेरे यहाँ आते हैं,
एक एक साल रहते हैं, मेरी सास आती है, उनका पूरा ट्रीटमेंट, उनका पूरा सब करते, बट मैं नहीं गई लौट के कभी, कभी ससुराल ही नहीं गई, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकली थी रात में तो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ से मेरी जर्नी क्या होगी, बस छोड़ के चली गई थी कि नहीं अब मैं नहीं आऊँगी इधर, कुछ नहीं है, मतलब मैं अपने ससुराल से एक साड़ी भी नहीं ले गई थी, खाली हाथ निकली थी, मतलब कुछ भी नहीं। आज भी जाती हूँ, लोग बोलते हैं तुम्हारे कपड़े वहाँ टंगे हुए हैं, अगर हम उसको उठाते हैं तो गल गए हैं, मतलब सड़ गए हैं, चीज़ें मेरी सड़ गई हैं, बट मैं कभी देखने ही नहीं गई कि क्या, पूरा दे दिया मैंने, कहा अभी मेरे को ऊपर वाले ने दिया है, अभी जाने दो उनको, रहने दो, खाने दो, पीने दो, ससुराल वाले आते हैं बोलते हैं एक बार तो चलो बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं, मैंने कहा दूर से देखने दो बच्चे कहाँ पहुँचे हैं, बट मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ मेरे साथ खुशियाँ भी थी लेकिन स्ट्रगल बहुत था, तो मुझे उस रास्ते में चलने से ना पूरा बैक याद आता है, तो मैं कभी गई नहीं। यहाँ आकर आपने कैसे, नहीं यहाँ आने की तो वो बहुत थी, फिर मैं जब इलाहाबाद पहुँची अपनी मम्मी के पास, सो वहाँ पे भी फिर कुछ सीन चेंज हो गए, मतलब मम्मी के यहाँ रही तो अभी क्या होता, आपकी मम्मी है, आपको गाली देंगी, आपको डांटेंगी या आपको कुछ भी कहेंगी तो बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मेरी माँ है, बट अगर मेरी माँ मेरे बच्चों को अगर कोई डांटा या उसको कोई गलत शब्द बोला कुछ, तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं मम्मी को बोलती थी अपनी कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे गलत बोल सकते हो लेकिन बच्चों को मत बोला करो, लेकिन मेरी मम्मी पुलिस में थी तो उनकी लैंग्वेज थोड़ा था, हाँ तो उनको कभी गंदा संदा बोल देना पुलिस वाला थोड़ा गाली वाली निकल जाती थी, या कभी कभी बोल देते थे कि कोई ऐसा बोल देना अरे बिना बाप के बच्चे हैं, हम मैं ना होता तो वो मुझे ना यहाँ दर्द होता था, अरे यार ये कौन सी बात है कि बिना बाप के बच्चे हैं, तो वो सारी चीज़ें ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं बोली कि कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ऐसे तो बच्चे हमेशा ज़िंदगी भर ताने सहेंगे, कि बड़े भी होंगे तो लोग बोलेंगे कि नानी ने पाला या मामा ने पाला या अनाथ थे बच्चे, बिना बाप के बच्चे, तो ये सुनते सुनते ना बहुत दिक्कत आ जाएगी, मेरी लाइफ तो ख़राब, बच्चों की भी ख़राब हो जाएगी, और सबका ये था कि शादी करो शादी करो, क्योंकि मेरी एज उस समय 28-29 थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो मैं बोली भी शादी करूँगी तो और दिक्कत आएगी, पता नहीं वो कैसा हस्बैंड मिले, बच्चों को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा भी तो ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, तो वो सारी चीज़ ना ऐसे घूमा करती थी, मतलब इतनी छोटी उम्र में मेरा हाई ब्लड प्रेशर रहता था, क्यों, क्योंकि मैं सोचती रहती थी क्या होगा क्या होगा क्या होगा ऐसा, बट फिर मैंने वहाँ ना एक NGO, गवर्नमेंट NGO होती हैं हमारे यहाँ, तो वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो हमारे यहाँ बीड़ी मज़दूर बहुत होते हैं UP में, तो बीड़ी मज़दूर के जो औरतें होती हैं उनको मैं वो NGO के थ्रू पापड़ चिप्स अचार बनाना झोले बनाना ये सब सिखाती थी, फिर उस NGO के थ्रू मैं उनको सेल करवाती थी, फिर उसमें गवर्नमेंट का कुछ मेरा उसमें रहता था पेमेंट, और बाकी उनको दिया करती, जैसे एक झोला 10 रुपए का बिका तो 8 उनका 2 मेरा, मतलब ऐसा NGO के थ्रू मैं काम करना चालू करी, तो मुझे ना ऐसे 5,000-10,000 ऐसे बच जाते थे, तो मैं उतने में ये रहता था कि मैं अपने बच्चों को ना एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ और कह सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ा रही हूँ। बट एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरी मम्मी ने बच्चों को कुछ गलत बोल दिया, और वो इतना गलत था जो मतलब मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, तो मैंने मम्मी का घर 2 बजे रात को छोड़ा, सो मम्मी ने मुझे बोला कि मेरे कपड़े भी मत ले जाना, मेरा ये भी मत, मैंने सब उनके वो भी छोड़ दिया, हम कुछ नहीं ले जाएंगे, और मैंने छोटे छोटे थे दोनों, और दोनों की उंगली पकड़ी और 2 बजे रात को निकल तो गई घर से, बट मैं सोची अब जाऊँगी कहाँ, क्योंकि इलाहाबाद तो थोड़ा बड़ा शहर था, चित्रकूट तो गाँव था, तो समझ में आया कि चलो यहाँ नहीं तो इधर उधर चले जाएंगे, बट वहाँ मैं अब जाऊँगी कहाँ पे, बट मैं निकली बाहर और मैंने सोचा कि यह तो अच्छी रोशनी वाला सुबह होगा, यह तो कितना छोटी सी चीज़ है, हम तीनों को कुछ भी खा के अपने आप को ख़त्म कर देना, मतलब इतना माइंड बन गया था कि कल की सुबह अच्छी होगी, तो मैं जिनके थ्रू NGO चलाती थी उनको मैंने, पहले फ़ोन नहीं होते थे तो मैं सुबह PCO में जाके फ़ोन की, मैंने कहा सर मेरे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, और मुझे ना
जहाँ मैं एनजीओ चलाती थी वहाँ एक रूम थे, दो रूम थे जिसमें वो गरीब बच्चों को मैं रखती थी। कुछ 25 बच्चे थे उस समय, तो बच्चे वहाँ रहते थे, उनको मैं खाना खिलाती थी, पढ़ाती थी। मतलब हमारा एनजीओ ऐसे ही था कि गरीब बच्चों को पढ़ा करके उन्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना। मुझे समझ में आ गया था कि पैसे ही सब कुछ है लाइफ में, अगर मैं पैसे कमाऊँगी तभी बच्चों को अच्छा बना सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट आया तो उस प्रोजेक्ट में मुझे अच्छी इनकम हुई, तो मैंने सबसे पहले सिद्धार्थ अब से के लिए रूम लिया, 2 BHK रूम, ताकि ये बच्चों को मैं वहाँ शिफ्ट करूँ। छोटी सी गृहस्थी बनाई, बर्तन खरीदा, चूल्हे खरीदे, मतलब जैसे एक छोटी गृहस्थी होती है वो। फिर हमने 2 BHK भी नहीं कहेंगे, ऐसे एक रूम था, उसमें एक किचन था, और मैं बच्चों को वहाँ सेटल करी। और सब बोलते थे अरे दरोगा जी की लड़की है, मतलब मेरी मम्मी काफ़ी वो थी, वहाँ फेमस थी, और मैं इकलौती लड़की, तो लोगों को लगता था कि मतलब दरोगा जी की लड़की है, इतने बड़े घर की बहू है या इतने बड़े घर की लड़की है, और ये ऐसे क्यों रहती है। तो मेरा यही था कि मैं अपने बच्चों को खड़ा करूँगी, ना कि मुझे मम्मी का या ससुराल का या भाई लोगों का किसी का ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं अकेले खड़ा करूँगी। अगर आज मेरे पास एक रोटी खिलाने की क्षमता है तो एक रोटी खाएंगे, जिस दिन अच्छे रोटी खाओगे तो उस दिन अच्छा खाएंगे। तो कभी कभी बच्चे पार्ले बिस्किट और पानी भी खा के जाते थे, क्योंकि नहीं रहता था कभी कभी ऐसा। बट फिर मैंने वहाँ से लाइफ अपनी चालू की कि सिर्फ मुझे पैसे कमाने, मतलब मेरा माइंड था कि मुझे इतना कमाना है कि मुझे लोग ऐसे करके देखें, मुझे ना देखना पड़े किसी को। और वहाँ से मैंने अपना चालू किया, अपने आप को ये करना, मतलब झोंकना कि नहीं मुझे कमाना है। तो मैं एनजीओ चलाती थी, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैं टीचिंग करी, फिर मैं टीचिंग भी करती थी। तो वहाँ से उस समय की इतनी सैलरी नहीं थी, तो बट बहुत अच्छे से चलने लगा कि एक अच्छे बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में जाने लगे, हम अच्छा खाने लगे, हम अच्छे से रहने लगे, वो सारी चीज़ें आ गई। कहते हैं ना कि आपका अगर करेक्टर अच्छा है ना तो आत्मविश्वास बहुत रहता है। सो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि नहीं कोई मेरे करेक्टर पे उंगली ना उठाए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ये रहती थी ताकि मैं लोगों से लड़ सकूँ। अगर मैं अपने आप नहीं, तो मुझे बच्चे पालने में बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छे से परवरिश हो जाता है। बट मैंने अपने आप को वहाँ एकदम टाइट रखा कि नहीं, मैं अकेले रह के बच्चों को पालूं, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे पता था घर आएंगे तो बहुत सी चीज़ें आप शेयर कर देते हो, तो मैंने वहाँ तक रख, आज भी वही आदत है, दायरा आज भी बना हुआ है कि मुझे कहाँ अपने आप को आगे रखना है, कहाँ पीछे रखना है। फिर उसके बाद मुंबई कैसे आना हुआ? फिर उसके बाद मुंबई ऐसा था कि सिद्धार्थ बहुत शैतान था, बहुत ज़्यादा शैतान था बचपन में। तो अभिषेक तो मेरा शांत स्वभाव का था, तो मैं स्कूल से जब या बाहर से आती थी काम करके तो उसकी शिकायतें बहुत रहती थी पब्लिक में, कह रहे आप नहीं रहती, ये करता है, वो करता है, इसको मारा, उसको मारा। ऐसे मैं उसको ऐसे एक बार एक मीटिंग में गई तो सामने एक हॉल था, वहाँ पे बच्चे जिम्नास्टिक कर रहे थे छोटे छोटे, और वो जिम्नास्टिक इतनी दर्दनाक थी, मतलब दोनों पैरों को स्पीड खोलना, अब उसके ऊपर कोच बैठ के उनकी स्पीड को खुलवाना, मतलब। तो मैं बोली ये वाली जो ट्रेनिंग है ना, ये सिद्धार्थ के लिए सही रहेगी, क्योंकि उसको क्योंकि उसको, और बाहर पब्लिक में जाते ही नहीं थे कभी कभी बच्चे रहते, तो बच्चों के मन में था अभिषेक मेरा बचपन से बहुत समझा, वो 9 साल की उम्र में ना वो पिता का रोल निभाने लगा था, मतलब उसने सिद्धार्थ को ही आगे किया हर एक चीज़ में, उसका एडमिशन कराना, उसको पढ़ाना, उसको स्कूल ले जाना, मतलब एज एक फादर जैसे करते वैसे अभिषेक ने किया। तो वो बहुत समझदार, मतलब 10-11 साल में वो मुझे ही स्कूटी में बैठा के ऑफिस छोड़ने जाता था। तो जब मैंने उसको सिद्धार्थ को वहाँ ले गई जिम्नास्टिक, तो उसको मैंने कोच को बोला कि इसका एडमिशन कराना है, तो बोले चलो ये दिखाओ मुझे बैक क्लिप या ये मार के। तो उसने सिद्धार्थ ने कम से 10-15 ना ऐसे ऐसे तो बैक क्लिप ढप ढप ढप, क्योंकि शैतान था ना। तो कोच बोला ये तो बहुत अच्छी कुल्हाटी मारता है, तो मैंने कहा आप इसको मतलब ले लीजिए, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कल से आ जाओ।
इतना थका, मैं बोली इतना थका दो कि घर जाके सो जाए। हाँ, तो जब वो अंडर सिक्स, 6 साल का था ना, उसने अंडर सिक्स खेला और वो स्टेट लेवल पे खेल के आया तो गोल्ड मेडल जीत के आया। अरे वाह। हाँ, आके बोलता है देखो मैं शैतान था ना, आपके लिए गोल्ड मेडल लाया हूँ। और वो अंडर सिक्स से लेके अंडर 18 तक खेला है और 110 गोल्ड मेडल होंगे उसके पास। 110 गोल्ड मेडल। वाओ। नेशनल यूपी के लिए कितने बार खेला, फिर इंडिया के लिए वो जा रहा था अशोका के टाइम पे, फिर अशोका की वजह से नहीं गया, बट उसने कभी हार नहीं मारी। गोल्ड मेडल, मैं बोलती थी मेरे घर पे ये सिल्वर और ब्रॉन्ज अलाउड नहीं है। तो जब आते थे कभी एक दो जगह उसके पड़े हैं तो मम्मी गलती हो गई, मैंने कुछ तो कमी रह गई होगी तभी तुम नहीं लाए हो। तो वो मतलब बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब अगर बच्चे नहीं होते तो शायद मैं स्ट्रांग भी नहीं बन पाती। मैंने कहा यहाँ साइन करना, ये प्रॉपर्टी लिया साइन कर दिया, ये गाड़ी खरीदी है साइन कर दिया, बस कुछ भी नहीं मालूम। तो आज भी उन्होंने मुझे जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया है। और ये वो जिम्मेदारी है जो वो कभी मुक्त करना भी नहीं चाहेंगे। हाँ। बोलते तो यही है, मैं बोली भी शादी करोगे तो कैसे करेंगे, बोले आप ही के पास रहेगा वो भी कंट्रोल में रहेगी ना। इस तरह कोई लड़की आएगी भी नहीं कि मम्मी ही सब करती, छोड़ो इन दोनों बच्चों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो औरतें अपने जीवन में कष्ट देखती हैं, हाँ, वो कभी भी जैसे जैसे आपने इतना कुछ देखा है, आई एम श्योर आपके बच्चों की जब शादी होगी तो आप उस पर प्यार लुटाओगे उस लड़की पर, क्योंकि आप जानते हो कि जब आपका वो टाइम था और वो सपोर्ट और प्यार नहीं मिला। हाँ। तो कितनी तकलीफ होती है। तो कैसे मुंबई आकर, सो मुंबई वही हुआ? जब हमने ये जिम्नास्टिक किया तो सिद्धार्थ तो बहुत छोटा था, 8 साल का था, तो एक एलिमेंट होता है सुखारा बोलते उसको, जैसे जमीन में बैकले मारते वो हवा में मारता था। अच्छा। सो उसने ऐसा कुछ एक एलिमेंट किया तो वहाँ पे ये कंपनी आई हुई थी, कंपनी बनाते हैं चॉकलेट, तो उन्होंने उस सिद्धार्थ को देखा तो कोच से बोले ये बच्चा कौन है इतना अच्छा, वो 8 साल का बच्चा इतना अच्छा करता, वो गोल्ड मेडलिस्ट था। तो कोच ने बोला कि मेरा स्टूडेंट है और इलाहाबाद से आया, वो चेन्नई गया था खेलने, वहाँ उसको मिले। तो उन्होंने कहा हमें इस बच्चे को लिए चाहिए, हमें ऐसे ही करेक्टर ढूंढ रहे हैं। तो बोले भाई उसकी मदर से पूछना पड़ेगा। उन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा अरे सर कहाँ भेजोगे आप, बैंकॉक जाना था। तो मैंने कहा मैं इलाहाबाद से कानपुर नहीं गई हूँ, आप बैंकॉक भेज रहे हैं, कहाँ भेजेंगे, यहीं चुपचाप हमें रहने दो, अभी बड़ी मुश्किल से लाइफ सेट हुई है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। बोले नहीं विभा जी आप एक काम करिए, आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में हाँ कर दीजिए, मैं लेके जाऊँगा बैंकॉक। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है। फिर सब ने कहा कि अरे तुम इलाहाबाद से बाहर निकलो, बैंकॉक मतलब विदेश जा रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं सर के साथ ही भेज देती हूँ। हाँ। तो उसके सर के साथ मैंने 8 साल के बच्चे को बैंकॉक भेज दिया। अभी वहाँ से तो तब फ़ोन नहीं थे ना, तो कुछ तो फैक्स करते थे फोटोज़, तो हम लोग निकलवा के लाते थे, ये देखो सिद्धार्थ कहाँ है, ये बाथटब में ना आ रहा। और वो वहाँ से छोटा सा था, ढेर सारी चॉकलेट। फिर वो 15 से 20 दिन वो ऐड चला, तो यहाँ पे सानू मैम ने देखा होगा वो ऐड, शानू शर्मा, तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं यशराज से बोल रही हूँ। तो मैंने कहा ये यशराज कौन है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था, हमारे पूरे ख़ानदान में कोई एक्टर नहीं, हम ये प्रोडक्शन और बैनर कुछ नहीं जानते थे, और इतना स्ट्रगल था कि हमने इधर फोकस ही नहीं किया था। तो बोले ये पिक्चर बनाते हैं और हमें सिद्धार्थ चाहिए था, हमने उनका एक ऐड देखा है। तो मैंने कहा वो तो स्कूल से हुआ था और वो ख़त्म, और वो जिम्नास्टिक करता है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। बोले सोच लीजिए। तो मैंने आना कहाँ पड़ेगा, बोले बॉम्बे, हमके गए काम से, मतलब बॉम्बे कैसे जाएंगे इलाहाबाद छोड़ के, क्योंकि नहीं हो पाएगा, मतलब बॉम्बे तो आ ही नहीं सकते। तो बोले आप एक बार आइए। तो मैंने बच्चों से पूछा, हमका धूम थ्री, बोले मम्मी धूम थ्री पिक्चर है, फिर उन्होंने कुछ तो धूम थ्री एक और दिखाई, धूम टू दिखाई। हाँ, मैं बोली अच्छा ये चले क्या। हाँ। तो मैंने 8 दिन की कुछ छुट्टी मांगी और हम बॉम्बे आए, और सीधा उसी दिन हमें यशराज बैठा दी।
अभी यशराज के जब हम कैफे उसमें बैठे ना, और वहाँ पे तो सारे एक्टर निकल रहे, अब हमारा तो पूरा मुंह ही खुला था, मतलब आप समझो एक गाँव से आकर के सीधा बॉम्बे, वो भी यशराज स्टूडियो में बैठना, मतलब ऐसा था कि कोई सपना है ऐसा था। बट वहाँ कभी सलमान सर दिख रहे हैं, कभी गीता माँ दिख रही, तो मैं बोली, और मैं सिद्धार्थ बहुत छोटा था, फिर भी मेरे को दबा देता था, जाइएगा मत, बैठिए, जाया नहीं जाता है। अच्छा फिर भी दोबारा मिलेंगे कि नहीं? फिर विक्टर सर से मुलाकात थी और सिद्धार्थ को बहुत पसंद आए, फिर सेकेंड डे सीधा आमिर सर के घर ले गए, और वहाँ फिर पूरी डन हो गई। फिर मैम ने बोला कि चलेगी शूटिंग 2 साल, मैंने कहा 2 साल में तो मेरी पूरी बनी बनाई गृहस्थी खराब हो जाएगी, तो मैंने कहा चलो इतना स्ट्रगल किया, एक बार बच्चे के लिए और करते हैं, और मैंने जॉब छोड़ दी और मैं सीधा बॉम्बे आ गई, क्योंकि जॉब 14 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं देते हैं। हाँ। मैंने कहा तो जॉब छोड़ो या तो पिक्चर छोड़ो, और रिटायर होते होते 6 लाख मिलेंगे, छोड़ो अभी। हाँ। इधर ही लेते हैं। हाँ, तो मैं जॉब छोड़ दी और मैं सब छोड़ दी, मतलब सीधा आ गई। उस समय मेरा अभिषेक 10th में था, तो वो भी टेंशन थी कि कोई था नहीं ना उसके साथ रहने वाला, ये कैसे खाना बनाएगा या कैसे पढ़ेगा, बोर्ड का एग्जाम कैसे देगा। पर उसने कहा मम्मी आप जाओ सिद्धार्थ को लेके, मैं कर लूँगा। और उसने अकेले रह करके 10th किया, और मैं बॉम्बे आ गई उसको लेके, धूम थ्री ख़त्म हो गई। पैसे मिले तो हमने जाके कुछ लोन ले करके, और मैंने एक 2 BHK घर खरीदा लाइफ में पहली बार। मैंने कहा चलो एक घर खरीदते हैं, ताकि फिर मैं NGO या कुछ भी करके, मतलब खाने के लिए कमा लेंगे, क्योंकि पिक्चर के बाद कुछ नहीं मिला था ना, पैसे लिए वापस अपने घर। तो मैंने घर खरीदा और मैं बहुत खुश हुई कि अपने कमाई से हमने एक घर खरीदा, मुझे किसी घर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैंने आज भी रखा है। फिर 2 साल बाद मुझे अशोका का ऑफर आया, जो अशोका आता था, लेकिन मैं यहाँ 2 साल रह के ना बॉम्बे जान गई थी कि कैसे बात करते हैं, कैसे डीलिंग करते हैं, हमें क्या पढ़े लेना है, ऐसा सब पता चल गया था 2 सालों में। और हम धूम थ्री करने अमेरिका गए थे, शिकागो, मतलब इलाहाबाद से सीधा इलाहाबाद से सीधा शिकागो पहुंच गए। तो मुझे याद है अभिषेक बच्चन थे हम लोग के साथ में, तो बोले चलो पहले मैम को कुछ दिलाते, तो उन्होंने रिवॉक का जूता दिलाया, बोले जूता पहन के चलिएगा। अशोका ने उसको एक पहचान दिलाई, धूम थ्री ने दिलाई थी, क्योंकि अशोका घर 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 पहुंचा उसका, तो पैसे अच्छे खासे कमाए। फिर वहां से मैंने कहा सिद्धार्थ, जब 3 साल हमने अशोका किया, फिर झलक में आ गया, तब तो अभिषेक का 12th हो गया। फिर उसने कहा कि मैंने अब क्या करना है, क्योंकि अब तो पैसे थे तो उससे पूछ सकते थे क्या करना है। कमाल की जर्नी रही है आपकी, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कैसा आपने वो समय देखा होगा जब आप उस फेज से गुजरे, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, और सब, वो मेरे लिए बहुत बिना किसी सहारे के, बिना कुछ जानते हुए आप आगे, वो तो मतलब, और मुझे आज उस चीज का कि अगर मैं नहीं छोड़ती तो मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ, यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। आपने डिफिकल्ट डिसीजंस लिए लेकिन सही डिसीजंस लिए, हाँ, डरते हुए लिया था, डर के लिए लेकिन सही डिसीजन लिए, और वो 7 साल मतलब कितना लंबा समय। तो मैं आज उस डिसीजन के लिए मैं आज बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे ऐसा प्रायश्चित नहीं है कि मैंने क्यों छोड़ा था या मैंने क्यों इतनी दिक्कतें सही, एकदम नहीं है, मुझे एक रुपए का भी ग्लानि नहीं है कि मैंने घर क्यों छोड़ा। और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, यहाँ से दिखेगा, सिद्धार्थ से बात करना है। हेलो मम्मी जी, प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं क्या कहूँ अपनी मम्मी के बारे में, मेरी मम्मी जो है ना वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही न्यारी और बहुत ही भोली है, लेकिन साथ ही साथ मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और कह सकते हैं लेडी डॉन है, दरोगा जी है, दरोगा जी। बहुत स्ट्रांग है मेरी मम्मी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी मम्मी मिली है, जिन्होंने हमेशा मुझे सही राह दिखाया है, सही गाइडेंस दी है, ढेर सारा प्यार दिया है, मेरी छोटी सी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया है, मेरी बड़ी सी बड़ी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया है, मुझे इनक्रेज किया है कि मैं ऐसे ही और बड़ा और अच्छा काम करता रहूं, और कभी ना हार मानूं।
थैंक यू सो मच मम्मी जी फॉर ऑलवेज देयर फॉर अस. अगर आप नहीं होती तो वाकई में हम लोग नहीं होते, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको कि कैसे एक लेडी जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, सिर्फ दो बच्चे थे उसके पास, और कैसे उन्होंने उन दो बच्चों को पाला है, उनको संस्कार दिए हैं, और कितनी हर्डल्स, कितने ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ में, कितनी चीज़ें आई, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हम दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट किया है और हमेशा खुशियाँ दी हैं. थैंक यू सो मच मम्मी जी, आई लव यू. छोटा सा प्यार भरा सरप्राइज आपके लिए, आपने जो इतना कुछ किया अपने बच्चों के लिए. ये लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत केयर करते हैं. आज जो आंखों में आंसू है विभा जी के, ये देखकर ये कह सकते हैं कि ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी स्ट्रगल देखी है जो आज अब आप लोगों ने भी सुनी. और कमेंडेबल एक माँ अकेले अपने दोनों बच्चों को जिस तरह से आपने बड़ा किया, उन्हें प्रोटेक्ट किया और अपने आप को प्रोटेक्ट किया. सिद्धार्थ ने जो आपके लिए कहा वो कम शब्दों में उसने सारी बातें कह दी और आपके आंसू बाकी सारी बात कह रहे. तो मैं यही प्रे करती हूँ कि आपका और आपके बच्चों का प्यार ऐसा ही बना रहे और जो ईश्वर की कृपा अब आप लोगों पर हुई है वो भी ऐसे ही बनी रहे और बढ़ती रहे. आपकी जो कहानी है वो अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग है कि वो ही सब कुछ कह देती है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तरफ से कोई एक बात कहना चाहेंगी उन व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं और शायद कहीं किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब हिम्मत टूट रही है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी ताकि वो नहीं. देखिए, जो हम लोग बनाए गए, मतलब जो महिलाएं बनाई गई हैं, जो औरतें बनाई गई हैं, तो उनके लाइफ में कहीं ना कुछ तो कुछ स्ट्रगल होता है. और मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना कि धरती माँ को ये सारी शक्ति मिली है कि इतने लोगों का बोझ उठा, ऐसे हम लोगों को भी शक्ति मिली है. हम ही लोग हैं, हम ही महिलाएँ हैं जो शक्तिशाली हैं. तो हमें अपने आप में आत्मविश्वास से स्ट्रगल हो या खुशी हो या दुख हो सब निभाना चाहिए. ऐसा नहीं कि स्ट्रगल आया तो आप अपने आप को गिव अप कर दो कि नहीं हो पाएगा, मर जाना चाहिए. मैंने भी बहुत बार सोचा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ क्या, हम तीनों मर जाएं क्या, कितना देर लगेगा, बट नहीं किया और आज यहाँ तक है. तो मैं सबको यही बोलूँगी कि स्ट्रगल करिएगा लेकिन खुशी खुशी, और एक लक्ष्य बनाइए कि हमें ये चीज़ करना है. जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, उद्देश्य नहीं बनाएंगे ना, तो स्ट्रगल करने में मज़ा भी नहीं आएगा. मेरा स्ट्रगल था मुझे बच्चों को इतना बनाना है कि जितने लोगों ने मुझे इग्नोर किया या मेरे साथ गलत किया वो आके मेरे से इतने सामने. आज देखिए, आप देख ही रहे हैं कि सिद्धार्थ अभिषेक की वजह से इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में नाम होता है. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि मेरे बच्चों की पहचान से मुझे जाना जाता है. बाद में जुड़ता है कि स्ट्रगल है ये, लेकिन लोग बोलते हैं सिद्धार्थ अभिषेक की मम्मी जा रहे, तो वो सब बहुत, तो ये मेरे स्ट्रगल से. तो आप लोग भी स्ट्रगल करना, कभी अपनी लाइफ को गिव अप मत करना, और हमेशा आपकी शक्ति आपकी दोस्त है. और सभी औरतों को जो ये एपिसोड देख रही हैं और जिन्होंने विभा जी की कहानी भी सुनी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन स्ट्रगल्स को फेस करना और उनसे मुंह ना मोड़ना, इसकी शक्ति हम में ही है और हमें उस शक्ति को पहचानना है. विभा जी ने जिस तरह से स्ट्रेंथ दिखाई, अपना सब कुछ खोकर भी उन्होंने सिर्फ अपने दो बच्चों के अंदर अपनी सारी आस्था लगाए रखी और उन्हें बड़ा करना है, उन्हें आगे लेकर जाना है, कि उन्होंने हर मुश्किल का सामना. ऐसे ही हम सब के पास देखेंगे तो कोई ना कोई एक रीजन मिल जाएगा विच विल गिव अस द रीजन टू राइज अबव एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स. आप सबको जाने से पहले बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आपने शीरोज को इतना प्यार दिया, आपके कमेंट्स और आपका प्यार हम तक पहुंचा. ये सीजन शीरोज का इस स्पेशल एपिसोड के साथ खत्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी आपसे शीरोज के अगले सीजन में मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. रियली होप कि इस सीजन से और शीरो सीरीज से आपको जिसको भी हिम्मत की जरूरत थी या आश्वासन की जरूरत थी वो जरूर मिला. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बीइंग विद अस एज अ स्पेशल गेस्ट. थैंक यू सून. बाय बाय. बी स्ट्रॉन्ग, रिमेंबर यू कैन राइज नो मैटर.